हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर ओन चैनल एडु एक्सेल पावर्ड बाय वाईएसी एट टेक प्राइवेट लिमिटेड एंड आई एम योर फिजिक्स मेंटर रोहन कुमार सिंह। आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आल्सो आई हैव अ सर्टिफिकेशन फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे अंडर क्यूपी एंड सीईपी। आई एम द ऑथर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स एक्सप्लोरिंग द लॉज दैट गवर्न अवर यूनिवर्स। दिस बुक यू कैन फाइंड इट ऑन अमेजोन and this is part of my research in which I have written about universe, space, time and everything. When you are going to read this book, you are just gonna love with physics and 7+ years of teaching experience in which I have taught about thousands of students. Many of them are right now in IIT, NIT, also the best colleges of NEET, and some of them recently scored out of out marks in physics also. Again, cracked MIT. And also worked as research analyst in IIT Madras. So starting our new chapter, because I have completed the complete basic mathematics, all those topics which I have taught, like algebraic equation, quadratic equation, and also integration, differentiation, vectors, completely ho chuka hai. Ab hum logo ko start karna apna pehla chapter is session ka 11th class. यूनिट एंड मेजरमेंट। अगेन पिछले जितने चैप्टर्स थे वो सिर्फ बेसिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए थे। अब जो चैप्टर्स आने वाले हैं फिजिक्स में वो हायर लेवल और उसको हम लोग एडवांस लेवल तक कवर करते हुए चलेंगे, बिना किसी टॉपिक को गैप किए हुए, बिना किसी टॉपिक को मतलब कम ज्यादा कुछ नहीं, सब टॉपिक को ईच एंड एवरी टॉपिक विल बी एक्सप्लेन्ड एट द लेवल ऑफ एडवांस। Okay, so starting our chapter unit and dimension, अपनी notes की copy जरूर रखना अपने पास, pen pencil हाथ में जरूर रखना, we have to complete it. So starting the first topic, physical quantity. What is physical quantity? Okay, what is physical quantity? What is physical quantity? Or what do you ask? As what are the different aspects of physical quantities? Why do we have physical quantity? क्यों चाहिए थी हमें physical quantity? क्यों है physical quantity? बहुत सारे questions आते हैं जिसमें एक आध question हम लोग countability में ले सकते हैं, like सबसे पहला question उठता है why do we need a physical quantity? हमें physical quantity आखिर चाहिए क्यों? Why do we require it? हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बिना आखिर कैसे एग्जिस्ट करेंगे, क्या होगा? लाइक सपोज करो तुम लोग मार्केट में जाते हो एंड यू जस्ट टेल द जो किराना की दुकान का जो होता है शॉपकीपर, उससे कहा तुमने जस्ट दूध दे दो। तो अब बताओ जब तुम कहोगे दूध देने के लिए तो वो कैसे मेजर करेगा, 1 किलो दूध, 1 लीटर दूध, 1 मीटर दूध, मतलब कैसे मेजर करेगा? तो ये मेजरमेंट बड़ा जरूरी हो गया था हमारे लिए कि हमारे पास एक क्वांटिटी होनी चाहिए जिससे कि हम किसी भी ऐसी चीज जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करती है उसको मेजर कर सके। कोई भी ऐसी चीज जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है। अब फिजिकली क्या क्या एग्जिस्ट करता है, ईच एंड एवरीथिंग विच वी आर गोइंग टू सी थ्रू अवर आईज। लाइक भाई देखो, जैसे ये पेपर हो गया, दिस इज 1 पीस ऑफ पेपर। ये पेपर, ये एक पेपर है, ठीक है। अब मैं इसकी लेंथ नापूं तो ये कुछ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा एंड इट इज अबाउट 10 सेंटीमीटर वाइड, व्हाटएवर, मुझे इसका परफेक्ट डायमेंशन नहीं पता, जो भी। तो ये जो अरेंजमेंट हो गया, अब मैंने कहा ये A4 साइज पेपर है, तो A4 साइज के सारे पेपर सेम साइज के होंगे। A4 साइज के सारे पेपर्स, तुम कहीं से भी जाके ऑल ओवर इंडिया में बोल दो A4 साइज पेपर, तुमने जम्मू कश्मीर से A4 साइज पेपर खरीदा, तुमने साउथ में से कहीं से A4 साइज पेपर खरीदा, दोनों जगह तुम्हें A4 साइज पेपर का साइज सेम मिलेगा। व्हाई? बिकॉज़ हमने एक क्वांटिटी निकाल दी, उस क्वांटिटी के अंडर जब हमने सारी चीजों को उसी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हमने सारी चीजों को मेंटेन करना शुरू किया। सो लेट्स से फिजिकल क्वांटिटी का क्या रीजन था, because we want a quantity, ठीक है, requirement, सबसे बड़ी चीज requirement। अगर हम किसी चीज को discover करते हैं ना तो market में उसकी जरूरत जरूर होगी, market में उसकी जरूरत जरूर होगी। like समझ लो spectacles, हमें ये goggles मतलब ये जो चश्मा है इसकी जरूरत क्यों थी भाई? मुझे myopia है, दूर का दिखाई नहीं देता क्लियरली, सो भाई दूर का मुझे साफ देखने के लिए क्या चश्मा पहनना पड़ा? तो ये इसलिए लॉन्च हुआ ना, ये इसलिए निकाला गया बिकॉज बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन बहुत जरूरी है मार्केट में। सो
सिमिलरली हमें स्टार्टिंग ही, जब हम लोगों ने फिजिक्स की स्टार्टिंग की, हमने कहा कि भाई हम किसी भी चीज को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो दिस इज द रिक्वायरमेंट फर्स्ट, ठीक है. उसके बाद आता है, देखो फिजिकल क्वांटिटी आखिर है क्या, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, वेदर द इंस्ट्रूमेंट इज फॉर मेजरिंग, लाइक इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज होते हैं, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज होते हैं, ठीक है. जैसे कि एक आध इंस्ट्रूमेंट का नाम यूज करते हैं, जैसे हमारा हो गया लेंथ मेजर करने के लिए, लेंथ टेप जो होता है, या फिर मेजरिंग टेप कह लो, ठीक है, मेजरिंग टेप कह लो. फिर उसके बाद कंटेनर टेप, कंटेनर जो होता है, कंटेनर फॉर 1 लीटर, हाफ लीटर, इस तरीके से कंटेनर्स होते हैं हमारे पास. और हम लोगों को क्या करना हुआ है कि हमें कोई भी चीज, लिक्विड को मेजर करने के लिए हम ये यूज करते हैं, हमारे पास मेजरिंग टेप हो गया, हमारे पास वो वजन नापने के लिए होता है बार होता है, बार, मेजरिंग बार जिसे कहते हैं हम लोग, मेजरिंग बार, ठीक है. ये सारी चीजें होती हैं. और भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, लाइक ओडोमीटर. ओडोमीटर किसे कहते हैं पता है ना, डिस्टेंस मेजरिंग, डिस्टेंस जो मेजर करता है बाइक में, उसे कहते हैं स्पीडोमीटर. स्पीडोमीटर फिर आता है आरपीएम मीटर. आरपीएम मीटर, अब पूछोगे सर ये आरपीएम मीटर क्या होता है, कार में देखना जो अच्छी लेवल की कार्स होती हैं उनमें क्या होता है, गियर के जैसे हम लोग गियर शिफ्ट करते हैं तो उसमें स्पीड के साथ साथ आरपीएम भी सेट होता है. तो कभी कभी अगर हमें ये देखना होता है कि इस गियर में मैक्सिमम लिमिट क्या है, तो वो उसमें आरपीएम जो होता है उसमें 2 आरपीएम, जैसे 2 आरपीएम पे आ जाए गियर शिफ्ट कर दो, तो वो आरपीएम अपने आप डाउन हो जाता है, भले तुम्हारी स्पीड 40-60 क्यों ना जा रही हो. तो ये बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ताकि हम लोग स्पीड को मेंटेन रख पाए और एक्सीडेंट के चांसेस कम से कम हो पाए, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ आरपीएम उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ब्रेक में, और उतना ही जितना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उतना ही टाइम टेकिंग होगा गाड़ी को स्टॉप करना. तो ये सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमारे पास मीटर्स होते हैं, ठीक है. तो एंड बाय मींस व्हिच वी कैन डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, इन व्हिच थ्रू व्हिच वी कैन मेजर और जस्ट फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, लाइक वेलोसिटी हो गया, तो वेलोसिटी हमें स्पीड ऑफ स्पीडोमीटर से मिल जाएगा, ठीक है. तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को मैनेज करने के लिए, मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है. और वो फिजिकल क्वांटिटी ऑलवेज, दीज फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी भाई, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सेकेंड वन ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, थर्ड वन सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी. अब इन तीनों का क्या क्या मतलब है देखते जाते हैं, ठीक है. तो देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब होता है, ठीक है. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लाइक बेसिक्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, बहुत ज्यादा मतलब बहुत बेसिक, विच कांट बी मच डिवाइडेड, और उसको और छोटे छोटे डिफरेंट पार्ट्स में नहीं तोड़ा जा सकता, जैसे कि लेंथ हो गया, मीटर हो गया, सेकेंड हो गया, इन सबको तुम और छोटे पार्ट्स में नहीं तोड़ सकते भाई. लीटर, 1 लीटर, अब 1 लीटर के अंदर कोई डिफरेंट कंपोजिशन नहीं है. एग्जाम्पल, दूसरी एग्जाम्पल ले लो तुम लोग, लाइक 1 मीटर पर सेकेंड, इसके अंदर 2 क्वांटिटीज है, मीटर भी है सेकेंड भी है, बट हियर देयर इज ओनली लीटर, देयर इज ओनली मीटर सेकेंड, हमारे पास सिर्फ यही लिमिटेड चीज है, ठीक है. नाउ ड्राइव क्वांटिटी, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर, व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर फिजिकल क्वांटिटी, मोर फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल
physical quantity by the means of addition kabhi nahi aata, ye dhyan rakhna, by the means of multiplication and division. ठीक है, या तो मल्टीप्लाई करेंगे या तो डिवाइड करेंगे, तब जाके ड्राइव्ड क्वांटिटी बनेगा. व्हेन वी आर कंबाइनिंग टू और मोर फिजिकल क्वांटिटी तो है ही, फंडामेंटल लिखना है यहाँ पर. क्या लिखना है? फंडामेंटल क्वांटिटी बाय द मीन्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, दैट इज नोन एज द ड्राइव्ड क्वांटिटी. नाउ सप्लीमेंट्री तुम्हारे लाइक सरप्राइज है, आगे जाके देखेंगे. सप्लीमेंट्री में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी लगेंगे तुमको, बहुत ज्यादा ऐसा लगेगा कि क्या पढ़ा दिया, तो इस वजह से हम उस चीज में देखेंगे. ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन. फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं? जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटी जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप की क्वांटिटी से मिलके बनी, मतलब एक ही टाइप की क्वांटिटी हो. देयर इज ओनली सिंगल क्वांटिटी एग्जिस्ट देयर, दैट क्वांटिटी इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी. ठीक है, दैट क्वांटिटी इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी. करेक्ट, दैट क्वांटिटी इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी. याद रखना, दुनिया की सारी क्वांटिटीज इन्हीं से कंबाइन होके मिलके बनती है. ठीक है, एक चीज और याद रखना कि किसी भी दो फंडामेंटल क्वांटिटी को प्लस करो या माइनस करो, ठीक है, हमें कभी भी एक न्यू ड्राइव्ड क्वांटिटी नहीं मिल सकती है. वी ऑलवेज गेट अ फंडामेंटल क्वांटिटी आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग और एडिंग टू डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज. ठीक है, दो डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटी को प्लस करके या माइनस करके तुम्हें जो रिजल्टेड क्वांटिटी मिलेगी वो भी फंडामेंटल होगी. ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे. एंड यू नो व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी? वी हैव ओनली 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज. वी हैव 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज. पहला हो गया लेंथ, दूसरा हो गया मास, तीसरा टाइम, चौथा इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ वन थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, सिक्स्थ वन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सेवंथ वन ल्यूमिनस इंटेंसिटी. अब समझना है कि ये कैसे कैसे एग्जिस्ट करता है. ओके, हाँ चलो, हमारे पास लेंथ हो गया. वी मेजर लेंथ इन टर्म्स ऑफ मीटर. ठीक है, मीटर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है. वी डोंट हैव टू ड्राइव इट, ये कोई डेरिवेशन से निकल के नहीं आया. ये एक सिंगल क्वांटिटी है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है. ओके, यहाँ पर आता है मास. मास जो हो गया वो किलोग्राम, ग्राम में, मतलब इन सब चीजों में मेजर किया जाता है. टाइम जो है वो सेकेंड. टाइम इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, वो किसी पर डिपेंडेंट होके नहीं चलती है. फिर आता है इलेक्ट्रिक करंट. याद रखना, करंट जो होता है दैट इज क्यू इज इक्वल्स टू आई इन टू टी. यानी कि करंट में हम टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं. सो वी गॉट द चार्ज. ठीक है, कूलम्ब. ठीक है, सी ओ यू कूलम्ब इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी. कूलम्ब इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी. ड्राइव्ड, ठीक है, कूलम्ब क्या है? ड्राइव्ड क्वांटिटी है. तो हमें क्या है, हमें करंट में, इलेक्ट्रिक करंट में टाइम का मल्टीप्लाई करना होता है. सो वी गॉट इलेक्ट्रिक करंट दैट सॉरी सो वी गॉट द चार्ज. ठीक है, चार्ज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमको? करंट में टाइम का मल्टीप्लाई करना होता है. यूनिट क्या हो जाती है इसकी? दैट द यूनिट इज एम्पेयर. ओके, सो नेक्स्ट वन इज थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर. थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए हमारे पास केल्विन होता है. अक्सर हम टेम्परेचर किस में मेजर करते हैं? केल्विन में मेजर करते हैं. बाकी अगर तुम्हें ध्यान याद रखना है कि सर सेल्सियस भी है, फ़ारेनहाइट भी है, तो जस्ट कन्वर्जन फॉर्मूला याद रख लो. फ़ारेनहाइट है तो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करो, एंड सेल्सियस जो है यूनिवर्सली केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ 273 डिग्रीज ऐड करना होता है सेल्सियस डिग्री में. सो वी गॉट द केल्विन डिग्री. ओके, सो अगेन कमिंग टू
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यू नो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए सिर्फ एक और बहुत अच्छा नंबर है, दैट इज अवोगैड्रो नंबर, वन अवोगैड्रो मतलब 1 Na इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻³। ओके, सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है दैट इज उसकी यूनिट जो हो जाती है वो मोल हो जाती है। क्या हो जाती है? मोल। और मोल जो है वो हमेशा एक अवोगैड्रो नंबर के कांस्टेंट को मिला के ही बनता है, अदरवाइज वी कांट गेट अ पर्टिकुलर मोल। ठीक है, ओवरऑल क्वांटिटी हम लोग ड्राइव नहीं कर पाते हैं। आता है नेक्स्ट वन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सर बोलो, सर ये हमने कभी पढ़ा ही नहीं, वेदर ही एक 7th क्लास के टॉपिक में आता है अक्सर, बट मैं तो फिर भी तुम्हें एक्सप्लेन करता। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ इंटेंस मतलब द अमाउंट ऑफ द ब्राइटनेस ऑफ लाइट थ्रू विच इट ग्लोइंग हैविंग अ ब्राइटनेस, कितना ज्यादा दूर तक वो रोशनी फैला पा रही है, कितना ज्यादा ब्राइट है। सपोज करो तुम अब सन को देखना शुरू करो, सन को, ठीक है, सन की लाइट जितनी ब्राइट है उतनी कोई लाइट ब्राइट नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेन करके बताता हूँ। एक काम करना, तुम्हारे पास 5 वॉट से लेके मैक्सिमम जितने वॉट तक का बल्ब हो तुम सन के सामने जला के रखना, ठीक है, सन की लाइट जा रही हो, दोनों को कंपेयर करना, तुम्हें लगेगा कि उसकी वजह से कोई रोशनी आई नहीं। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा अच्छा पता करने का तरीका है, जैसे सामने कोई पर्सन खड़ा है और उस पर डायरेक्टली सन की लाइट आ रही है, उसकी फोटो लेना है। ठीक है, और क्या करना, एक काम और करना, वो लाइट जलाना 100 वॉट का, मतलब कोई सा किसी CFL बल्ब जलाओ, LED जलाओ, कोई सा भी जलाओ, उसके सामने रखना, देखना उसको ऑन ऑफ करके देखना उस पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी इमेज पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है। पड़ा तो समझ जाना कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी उस बल्ब की ज्यादा है सन की सन से। पर एक चीज और डिफ्रेंशिएट करके रखता है यहाँ पर कि डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स टू द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स टू द ऑब्जेक्ट, आते आते सन की लाइट थोड़ी डल हो जाए। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है वो एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है, और उसको हम लोग कैंडेला से कंपेयर करते हैं, किससे, CANDELA, कैंडेला से कंपेयर करते हैं। ठीक है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज एब्सोल्यूट और बेस क्वांटिटी, वन ऑफ द मोस्ट मतलब जो बेस लेवल पे लाई करता है उस टाइप की क्वांटिटी होती है। इन मैकेनिक्स वी ट्रीट लेंथ मास टाइम एज द 3 बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ मास टाइम ये 3 टाइप की बेसिक एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, ड्राइव्ड क्वांटिटी, ड्राइव्ड, ठीक है, ड्राइव्ड क्वांटिटी। तुम लोगों को मैंने बता दिया कि व्हाट इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी। ड्राइव्ड क्वांटिटी इज मतलब इट इज अ पर्टिकुलर क्वांटिटी इन विच वी हैव जस्ट मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड 2 डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज, सो वी इन द रिजल्ट वी गेट द ड्राइव्ड क्वांटिटी। हमको क्या मिला, ड्राइव्ड क्वांटिटी मिला। ठीक है, जस्ट लाइक स्पीड, स्पीड को देखो, स्पीड में डिस्टेंस जो कि है हमारे पास फंडामेंटल का एग्जाम्पल, और टाइम इट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल एग्जाम्पल। ठीक है, लेंथ अपॉन टाइम करने के बाद हमारे पास आता है मीटर पर सेकेंड, तो ये मीटर पर सेकेंड जो है दैट इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी, दैट इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी। स्पीड हो गया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, प्रेशर, एनर्जी, तो मतलब तुम कोई भी क्वांटिटी पढ़ लो, वो 7 डिफरेंट क्वांटिटीज जो कि मैंने फंडामेंटल के टाइम पे बताया था, उसके अलावा सारी क्वांटिटीज, जितनी भी क्वांटिटीज तुम्हें देखने को मिल जाए, वो सब के सब कैसी होती है, ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है। ओके, दैट ऑल आर ड्राइव्ड क्वांटिटी। बट हाँ, तुम्हें लग रहा होगा, मैं तुम्हें ये चीज का चेंजेस बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग आगे। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, जैसा कि मैंने बताया था, इसको हम यहाँ पर आकर पढ़ेंगे। बिसाइड द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर ऑल्सो डिफाइंड एज प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड एंगल को कुछ स्टीरेडियन कहते हैं हम इसको, ठीक है, दैट इज ओम, साइन ऑफ ओम है ये वैसे तो, पर हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान से देखो, प्लेन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड क्या हम लोग सॉलिड एंगल को किससे मेजर कर रहे हैं, हम लोग सॉलिड एंगल को किससे मेजर करना है, वी आर जस्ट मेजरिंग सॉलिड एंगल विद ओम, विद ओम, ठीक है, हम लोग सॉलिड एंगल को किससे मेजर कर रहे हैं, ओम से मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो
बाकी हम लोग ये समझ लेते हैं, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है स्टी रेडियन, स्टी रेडियन, ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैव ओनली यूनिट बट नो डायमेंशन, इनमें सिर्फ यूनिट होता है, डायमेंशन नहीं होता है। देयर इज एब्सेंस ऑफ डायमेंशन हियर, देयर इज एब्सेंस ऑफ डायमेंशन हियर। अब आता है मैग्नीट्यूड, समझना जरूरी है मैग्नीट्यूड कैसे यूनिट पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। सब जानते हो कि अगर मैं लिखूं 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब हमें 1 किलोग्राम में समझना होगा, 1 किलोग्राम में दो चीज एग्जिस्ट करती है, एक 1 किलोग्राम में दो चीज एग्जिस्ट करती है, वन ऑफ देम इज यूनिट, वन ऑफ देम इज यूनिट एंड अदर वन इज न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। अब हम वही चीज 1000 ग्राम में कंपेयर करते हैं, ये भी क्या है, यूनिट है, बट ये क्या है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तुमने एक चीज देखा होगा, ये बताओ किलोग्राम बड़ा होता है कि ग्राम बड़ा होता है, मतलब हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 1 किलोग्राम और 1 ग्राम बड़ा कौन सा हुआ, किलोग्राम बड़ा हुआ। सो देख रहे हो किलोग्राम यानी कि यूनिट अगर बढ़ा तो उसके साथ का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कम होगा। अब ये कैसे पता करोगे कि सर कम होगा, पर हमने तो कम तभी तो कंपेयर किया जब हम कम, हमारे पास कोई चीज कंपेरिजन में प्रेजेंट थी तो हमारे पास ग्राम था प्रेजेंट में, ठीक है। अब हमने देखा ग्राम जो है वो इस यूनिट के कंपेरिजन में ज्यादा है, सॉरी कम है, ग्राम जो है वो इस यूनिट की कंपेरिजन में कम है, तो इसकी जो यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई वो बढ़ गई। तो यही रीजन होता है सच दैट अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का मल्टीप्लाई करते हैं सो वी गेट अ कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। अब मैं बोलूं 1 किलोग्राम बड़ा है कि 1000 ग्राम बड़ा है, बराबर है दोनों, सर दोनों कौन, दोनों इक्वल है। इसी वजह से अगर हम सिर्फ 1 किलोग्राम को ही डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज में, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में कन्वर्ट करते चले जाएंगे, हमेशा आंसर हमें वही आएगा जो कि 1 किलोग्राम के इक्वल होगा, बट उसकी यूनिट अलग होगी, सो इसी वजह से उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तुम्हें अलग नजर आएगी। तो इसी चीज को देखते हुए एन यू इज कॉन्स्टेंट, एन यू इज कॉन्स्टेंट, समझ गई ये चीज। चलो अगर एन यू ऐसा है, आप समझना है अगर एन यू कॉन्स्टेंट है तो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द गिवन वैल्यू, ये जो तुम्हारा यूनिट हो गया, यूनिट से यूनिट की कंपैरिजन में न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इफ न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीजेस देन द यूनिट डिक्रीजेस, इफ न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीजेस देन यूनिट इंक्रीजेस, ठीक है। यही चीज तुम यहाँ पढ़ रहे हो, हम जब इसे कंपेयर करेंगे तो मैंने बता दिया एन यू जो है वो कॉन्स्टेंट होता है, इसे अपने नोट्स में एड कर लोगे, ठीक है। तो एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू विच इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट, विच इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वॉट इज यूनिट, यूनिट सब समझ गए होगा, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सर्टेन बेसिक रेफरेंस दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड, मतलब उस स्टैंडर्ड लेवल पे कॉल्ड यूनिट। तो अब तुम देखो मैं यहाँ पर टाइम को 1 आवर, 1 मिनट, 1 सेकेंड में कंपेयर कर रहा हूँ, तो यूएस में जाके क्या वो कुछ बदल जाएगा, यूएस में भी वही रहेगा, इट रिमेन्स लाइक सेम, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट इंडिया में है तो यूएस में भी 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल वर्ल्ड यूनिट, तो यूनिट जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम होता है, कहीं पर अलग नहीं होता। इफ 1 kg इज हियर, लाइक 1 kg जो है वो 1000 ग्राम्स के इक्वल होता है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में भी यही चीज मान्य होगी, यही चीज एप्लीकेबल होगी, देर इज नो एनी चेंज, ठीक है। नाउ हमारे पास क्या है, हमारे पास सब सबके सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस। सीजीएस जो है वो गॉशियन है, समझते हैं, चलो सीजीएस इज गॉशियन, देखो सीजीएस जो है
वो गॉशियन है, गॉशियन, ठीक है, बिकॉज इट इज सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। फिर यहाँ पर आता है एसआई यूनिट। एसआई जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे अलाउड है, मतलब इसका बड़ा भाई है, ये समझ लो, इसका बड़ा भाई एमकेएस, मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड। यहाँ देख रहे हो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, यहाँ पर मीटर किलोग्राम और सेकेंड। फिर आता है ये फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, ओके। लेंथ है, लेंथ सीजीएस में सेंटीमीटर होता है, एमकेएस में मीटर होता है, एफपीएस में फुट होता है। मास ग्राम, किलोग्राम, पाउंड, टाइम सेकेंड, सेकेंड, सेकेंड। भाई टाइम के लिए कोई और यूनिट है ही नहीं, यहाँ पर सबके लिए अलग अलग है, 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, ठीक है। तुम सोच सकते हो कि आज के टाइम पे भी हम लोग ब्रिटिश को ही फॉलो कर रहे हैं, हमारे जुबान से निकलता है कि भाई कितने फुट का लंबा, 6 फुट का भाई है लड़का, तो वो हमारी जुबान में आज तक वही रह गया है, हमारी जुबान में आज तक वही चीज चिपक गई है। गलती हमारी है, हम लोगों ने ब्रिटिशर्स की चीजों को छोड़ा नहीं है। चलो छोड़ो, ये तो बातें अलग है। फोर्स ड्राइव यूनिट में आ गया डाइन, न्यूटन, पाउंड, ठीक है, पाउंडल, वो पाउंडल लिख रखा है, वर्क और एनर्जी, अर्ग, जूल, फुट एंड पाउंड, ठीक है। पावर अर्ग पर सेकेंड, वॉट एंड फुट पाउंड पर सेकेंड, ठीक है, ये दोनों चीजें हैं। तो ये दीज आर द डिफरेंट क्वांटिटीज, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास। फंडामेंटल में ये तीनों हो गए, ड्राइव में हमने अभी तो एग्जांपल के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। नाउ सप्लीमेंट्री में तुम लोगों ने देख लिया, प्लेन एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं, दैट इज आर ए डी लिखा जाता है, सॉलिड एंगल को स्टी रेडियन में मेजर करते हैं, दैट इज एस आर लिखा जाता है। एसआई सिस्टम इज एट प्रेजेंट वाइडली यूज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। और हाँ याद रखना ये चीज लाइन मैंने खुद से जुड़वाई कि इन आईआईटी जेईई ओनली एसआई यूनिट इज फॉलोड। तो अगर तुम्हारे पास यूनिट नहीं गिवन है उस समय एडवांस के क्वेश्चन में या मेंस के क्वेश्चन में, सो फॉलो द एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम में तुम्हारे पास एमकेएस सिस्टम था, मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट। एसआई यूनिट की डेफिनेशन हम लोगों के लिए अब इंपॉर्टेंट है। देखो वैसे डेफिनेशन काम आता नहीं है, बट एक्सपेरिमेंटली देखा जाए तो डेफिनेशन एक रोल प्ले करते हैं कि भाई 1 मीटर आखिर आया कहाँ से, सेकेंड को सेकेंड क्यों बोलते हैं, वो उतना सही टाइम जोन क्यों होता है सेकेंड, ठीक है। ये चीजों को सबसे पहले मीटर आता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 1650763.73 वेवलेंथ्स इन वैक्यूम ऑफ रेडिएशन कोरस्पोंडिंग टू ऑर्गन दैट इज रेड लाइट ऑफ क्रिप्टन 86। क्रिप्टन 86 इज अ टाइप ऑफ आइसोटोप ऑफ क्रिप्टन, एंड क्रिप्टन जो हो गया उसका जो रेडिएशन निकल के आता है, एंड द रेडिएशन इन वैक्यूम में जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, तुम जानते हो वेवलेंथ किसे कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ 1 मिनट। वेवलेंथ क्रिप्टन की जो वेवलेंथ होती है लाइक ये, ठीक है, तो वेवलेंथ को, वेवलेंथ जो हो गया दैट इज इतना वेवलेंथ है, 1650763.73 वेवलेंथ इन वैक्यूम, दैट इज नोन एज 1 मीटर, ठीक है। सेकंड को उठा लो, 1 सेकंड इज इक्वल टू दिस वन, 9192631770 टाइम्स पीरियड ऑफ पर्टिकुलर फ्रॉम सीशियम 133 एटम, दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ आइसोटोप ऑफ सीशियम एज वेल एज ये क्या है प्रॉपर, सीशियम का जो पार्टिकल वाइब्रेशन होता है, सीशियम का पार्टिकल वाइब्रेशन जो होता है कि मतलब इतने वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाते हैं तब हम कहते हैं दिस इज 1 सेकेंड, ऑल ओवर इतने वाइब्रेशंस कंप्लीट हो जाते हैं, सो वी कॉल एज इट 1 सेकेंड, ठीक है। मतलब समझ जाओगे कितनी फास्ट तरीके से ये वाइब्रेट करता है। फिर आता है किलोग्राम, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, मास ऑफ 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 1 केजी क्या कितना हो गया, 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी जो कि 4 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया था, समझना जरूरी है, टाइम टेम्परेचर भी अमाउंट भी, 4 डिग्री सेल्सियस पे रखे हुए पानी को जो कि 1 लीटर क्वांटिटी में है, दैट इज नोन एज 1 केजी, दैट इज नोन एज 1 केजी। एम्पेयर इट इज द करंट विच वेन फ्लोज थ्रू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर प्रोड्यूसेस फोर्स, दिस
एंड बिटवीन देम, मतलब इट इज द करंट व्हिच व्हेन फ्लोस थ्रू टू इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स, ठीक है, दो इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स है, ठीक है, उसमें चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, उनको 1 मीटर की डिस्टेंस पे दूर, 1 मीटर डिस्टेंस की दूरी पे रखा है, जो कि एक फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, तो दैट इज द रिजल्टेंट, जो रिजल्ट निकल के आता है दैट इज एम्पेयर, तो वो होता है 1 एम्पेयर. केल्विन देख लो, केल्विन इज 1/273.6 पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक आता है. खैर पॉइंट आता है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है. खैर इसका अब तो सिलेबस कट चुका है 11th में से गैसेस वाला. ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर वो टेम्परेचर है एट विच, टेम्परेचर एट विच ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर एग्जिस्ट एट द सेम टाइम, exist at the same time and that one temperature is ye raha tumhara wo temperature, triple up point of water use kehte hain, 273.16 of triple point of water, yani ki ye ek aisa temperature hai 273.16 kelvin jo hai wo ek aisa temperature hai jis par tino state water ke ek sath exist karte hain, ठीक है. मोल आता है, व्हाट इज मोल, तो मोल इट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सिस्टम व्हिच कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स लाइक एटम हो गए, मॉलिक्यूल हो गए, आयन हो गए एज देयर एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 कार्बन 12, ठीक है, आइसोटोपिक पार्ट, आइसोटोपिक टर्म है ना, 12 ग्राम में ऑल ओवर जितने अमाउंट ऑफ कार्बन 12 पार्टिकल्स होंगे दैट इज द मोल. और वो तुमको पता है, सभी को पता है, 10th क्लास से पास आउट होते समय पढ़ के आए होगे, Na 6.022 × 10⁻², ओके, 10⁻². मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कैंडेला रेडियन स्टी रेडियन, जस्ट मैंने तुम्हें एग्जांपल समझा ही दिया है. इट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ अ सरफेस दिस ऑफ अ ब्लैक बॉडी टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट दिस, ठीक है, रेडियन स्टी रेडियन, स्टी रेडियन जो है वो एक सॉलिड एंगल को कहा जाता है और रेडियन जो है प्लेन एंगल को, ठीक है, जैसे कि इसको एग्जांपल में देखते हैं, जैसे तुम्हारा ये एंगल बन रहा है, यहाँ थीटा हुआ, तो थीटा जितने भी डिग्री का हुआ वो हो जाएगा प्लेन, ये हो जाएगा रेडियन में कंपेयर करेंगे. हाँ मुझे पता है डिग्री में बात करते हैं सबके सब, बट अब मतलब अब तुम्हें रेडियन में कंपेयर करना होगा. स्टी रेडियन जो हो गया, स्टी रेडियन जैसे मान लो तुमने ये कोन बनाया, ठीक है, कोन बनाया, तो यहाँ पर जो है वो एक तरीके से चारों तरफ से फैला हुआ होगा, वो ऑल ओवर, मतलब थ्री डायमेंशनल एंगल इज ऑल्सो नोन एज द, उसको हम किस में मेजर करते हैं, स्टी रेडियन में मेजर करते हैं, उसे प्लेन एंगल, उसे मतलब तुम सॉलिड एंगल कहो, सॉलिड एंगल मतलब ये समझ लो कि जैसे ये फोन है, फोन का ये वाला पार्ट, ठीक है, फोन का ये वाला पार्ट, ये जो एंगल है अंदर की तरफ तक, अंदर की तरफ तक का, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, स्टी रेडियन में कंपेयर करेंगे, किस में कंपेयर करेंगे, स्टी रेडियन में कंपेयर करेंगे, करेक्ट. मूविंग टू द नेक्स्ट, फाइंड द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड एंड एक्सेलरेशन, जो कि आधा मतलब पूरा निकला हुआ ही है एक तरीके से. स्पीड जो हो गया दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर अपॉन सेकेंड, ऑल्सो कॉल्ड एज मीटर पर सेकेंड. सब जानते हो एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस पर टाइम और फिर अपॉन में और टाइम, तो हो जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके. एसआई यूनिट, एसआई प्रीफिक्सेस, अगर 10⁻¹⁸ है तो एक्सा लगाया जाएगा, 10⁻¹⁵ है तो पेटा, 10⁻¹२ है तो टेरा, 10⁻⁹ है तो गीगा, 6 है तो मेगा, 3 है तो किलो, 2 है तो हेक्टो, 1 है तो डेका, फिर उसके बाद आता है कि सिंबल ई पी टी जी, ये इसके रेस्पेक्टेड सिंबल्स हैं. 10⁻¹⁻ से रिप्रेजेंट किया तो डेसी, -2 से तो सेंटी, -3 से तो मिली, -6 से तो माइक्रो, -9 से नैनो, अगेन -12 से पिको, -15 से फेमटो, -18 से एटो, ठीक है, एटो सारा याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी -9 तक दोनों तरफ का तुम लोग याद कर लोगे, ठीक है, लाइक यहाँ पर 10⁻¹⁹ से मतलब कहाँ से कहाँ तक, यहां से लेकर
यहां तक, ये पूरा तुम लोग याद कर लोगे, ये तीनों अगर तुम्हें जरूरत दिखा तो ही। वैसे तो आधी से चीजें तुम लोगों को याद है, डेसी मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो, और किलो के बाद फिर तुम्हारे पास क्या आ जाता है भाई, वो टन भी आ जाता है, गीगा वगैरह सब कुछ देख लेना, जरूरत के अकॉर्डिंग याद कर लेना। जनरल गाइडलाइन फॉर यूजिंग सिंबल्स फॉर एसआई यूनिट सम अदर यूनिट्स एंड दिस वन, ठीक है। एसआई प्रीफिक्स कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, ऐसा जरूरी नहीं है एसआई प्रीफिक्स जो है वो सिर्फ फंडामेंटल के आगे यूज कर सकते हैं, ड्राइव्ड के आगे यूज नहीं कर सकते, वो हम किसी के आगे भी यूज कर सकते हैं। ओके, लेट से न्यूटन है, तो न्यूटन को मिली न्यूटन, माइक्रो न्यूटन, मैक्रो न्यूटन मतलब नैनो न्यूटन, गीगा न्यूटन, इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ वन न्यूटन इज करेक्ट, बट वन देखो मतलब जो प्रॉपर चल रहा है इज इनकरेक्ट, मतलब हमें जो सिंबल को लिखना है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से, विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी इटालियन टाइप लेटर, इटालियन समझते हो ना, वो जो टेढ़ा टेढ़ा लिखा जाता है उसे कहते हैं इटालियन, ठीक है। तो इटालियन टाइप स्ट्रक्चर ये सब चीज नहीं होना चाहिए हमारे पास, एक प्लेन साफ सुथरी तरीके से विदाउट एनी प्रॉपर गैप, मतलब इतना ज्यादा गैप ना हो कि वन यहाँ लिखा है एन यहाँ लिखा है, नहीं, एक प्रॉपर छोटा सा गैप देकर फिर हमें लिखना है। तो और याद रखना यूनिट बहुत जरूरी होती है, तभी हमें पता चलता है कि हमें उसको किस रेस्पेक्ट में कंपेयर करना है। अब वो तुमने लास्ट में आंसर लिख के तो छोड़ दिया, यूनिट नहीं लिखा, अब टीचर क्या समझे कि किलो में लिखा है, मीटर में लिखा है कि न्यूटन में। तुम कहोगे इतना तो कम टीचर का भी है, तो इतना कम तुम भी कर सकते हो भाई, तो टी तभी नंबर नहीं कटेगा, नहीं तो नंबर भी काटा जाएगा। सिंबल्स फॉर यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर प्रिंटेड रिटन इन रोमन आर नॉट इन इटैलिक्स, ठीक है, इटैलिक्स में नहीं। कुछ चीजें फॉर अ यूनिट नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट द सिंबल इज कैपिटल, ठीक है, बट फॉर अदर यूनिट द सिंबल इज नॉट कैपिटल, ठीक है। जैसे देखो न्यूटन को साइंटिस्ट के नाम की वजह से दिया गया है तो एन लिखा गया, जूल को जे कैपिटल, एम्पेयर को ए कैपिटल, केल्विन को के कैपिटल, बट अगर तुम लीटर मीटर किलो देखोगे तो ये हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, ठीक है। देखो मीटर को स्मॉल एम, किलोग्राम को केजी, सीडी, एस जो भी लिखा जा रहा है वो सब स्मॉल में लिखा जा रहा है। चलो अब इसमें तुम्हें करेक्ट देखना, सिंपल्स ऑफ यूनिट डू नॉट कंटेन एनी फाइनल फुल स्टॉप, ऑल द एंड ऑफ रिकमेंडेड लेटर एंड रिमेन अनऑल्टर्ड इन द प्लुरल्स यूजिंग ओनली सिंगुलर फॉर्म ऑफ द यूनिट, ठीक है। तो हम हमेशा कभी प्लुरल नहीं लगाना, हमेशा सिंगल में रखना है, सिंगुलर में, ठीक है, सिंगुलर में, लाइक नॉट लीटर्स नॉट मीटर्स, इट ऑलवेज, ये नहीं है कि तुम एम एस लगा दो मीटर्स के लिए, वहां पर 1 मीटर था तो तुमने एम लिखा, 1 m लिखा, और जहाँ 2 मीटर आ गया तो तुमने 2 ms लिख दिया, तो प्लूरल में नहीं लिखा जाता, सिंगुलर में ही लिखा जाता है सिर्फ। अब देखो यहाँ पर करेक्ट लिखने का तरीका मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा गया, बट मीटर पर सेकंड नहीं लिखा गया, तो कंबाइन करके ही, ऑल ओवर कंबाइन करके ही हमेशा यूनिट को एक्सप्रेस करना चाहिए, ठीक है। इसको देख लेना एक बार, प्रीफिक्स सिंबल जो भी है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा उसका हमेशा ही ध्यान रखना है, ठीक। और व्हेन अ प्रीफिक्स इज प्लेस्ड बिफोर द सिंबल ऑफ यूनिट द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीफिक्स एंड सिंबल इज कंसीडर्ड एज अ न्यू सिंबल फॉर द यूनिट व्हिच कैन बी रेज्ड टू अ पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर इट इज, ठीक है, ये देख लेना। ये सारी चीजें तुम लिख लेना है, तुम लोगों को इसका इस चीज का पूरा पूरा आइडिया है कि एक प्रॉपर प्रॉपर सिंबल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है, ये बोर्ड लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक टॉपिक आता है एरर एंड मैनेजमेंट, एरर एंड मेजरमेंट, वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें तुम लोग अपने नोट्स में जरूर लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस यूनिट और स्टैंडर्ड वेल डिफाइंड होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, भाई हमने कैसे कह दिया, हमने कैसे कह दिया कि ये जो है स्टैंडर्ड यूनिट है। देखो हमेशा किसी भी यूनिट को मेजर हमें जब भी पता चले तो वो यूनिट ना ही बहुत बड़ी होनी चाहिए ना ही बहुत छोटी होनी चाहिए, ये चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि सपोज करो आज के टाइम पे हम गोल्ड जो है वो ग्राम के रेस्पेक्ट में खरीदते हैं कि भाई 10 ग्राम सोना, भाई 10 ग्राम को गोल्ड का कॉस्ट अभी 73,000 के लगभग लगभग कुछ चल रहा है, तो अगर हम उसे किलो में कन्वर्ट करें तो सोच के देखो, किलो में कन्वर्ट करें, हम गोल्ड को किलो में मेजर कर रहे हैं, दैट इज सम हम अबाउट 0.01 किलो ऑफ गोल्ड,
0.01 किलो, भाई कितना छोटा लग रहा है देख सुनने में, 0.01 किलो ऑफ सोल्ड गोल्ड, ठीक है। और वहां पर अभी इसका रेट देखो तो रेट तो भाई 73,000 रुपये पड़ेगा, बड़ा महंगा हो गया यार। तो इसी वजह से हम हमेशा किसी भी चीज को उसी के यूनिट, जो भी यूनिट हम यूज कर रहे हैं, लाइक इट इज मीटर, लीटर, ग्राम, किलोग्राम, किलोलीटर, किलोमीटर, वट एवर इट इज, हम हमेशा क्या यूज करते हैं, एक प्रॉपर एस्पेक्टेड, जो कि सिस्टम में फिक्स हो सके, ना ही ज्यादा बड़ी हो ना ही ज्यादा छोटी हो, इजीली सब लोग उसे एक्सप्रेस और समझ सके, इस टाइप की यूनिट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। स्पेशल, अब जैसे वेल डिफाइंड, अच्छे से डिफाइन हो जाए, लाइक 1 मीटर का कपड़ा एग्जिस्ट कर सकता है, पर 1 किलोमीटर का कपड़ा तुम लोग खरीदे जाओगे, व्हाई डू यू नीड 1 किलोमीटर ऑफ पर्टिकुलर लेंथ ऑफ क्लॉथ, क्यों चाहिए भाई 1 किलोमीटर का कपड़ा? 1 किलोमीटर तो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। दिस इज द डिफरेंट रीजंस, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी, इनवेरिएबिलिटी, कन्वीनियंस, ये तीनों, ये चारों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर यूनिट, ताकि वो स्टैंडर्ड लेवल पे आ सके। स्पेशल यूनिट्स 1 माइक्रोन एंगस्ट्रम, ये सब तुम लोग याद कर लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये या तो केमिस्ट्री में भी काम आ जाए, अक्सर ये क्या है, इन सब चीज का थोड़ा काम केमिस्ट्री में भी है, थोड़ा काम फिजिक्स में भी है, तो थोड़ा थोड़ा याद करने से अच्छा है एक बार में लिख के याद कर लो, काम करता। चलिए चलिए, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो यूनिट मेजरमेंट का सेकेंड एंड रिमेनिंग पार्ट, ये जो है, और मैं पहले बता दूं, हमारा जो लेक्चर है वो जेई मेंस, नीट एज वेल एज एडवांस के लेवल को ऑर्गेनाइज करता हुआ चलता है। मैं हमेशा बता दूंगा टॉपिक के स्टार्ट होने से पहले कि आज का जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो एडवांस का है, या फिर ये बच्चा कोई भी पढ़ सकता है, वेदर इट इज फॉर जेई मेंस, नीट, क्योंकि पहले देखो, पहले सबसे पहले हम लोगों को 11th 12th खत्म करते हुए चलना है, उसके बाद ही जाकर हम लोग नीट एडवांस मेन सबको पकड़ पाएंगे, ठीक है। याद रखना हम लोग चैप्टर के लास्ट में, क्योंकि अभी बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट हुआ है, तो हम इसके भी जल्दी से जल्दी एक वीडियो लाने लाएंगे, प्रॉपर क्वेश्चन होगा, पर वो क्वेश्चन तुम्हारे मेंस एडवांस नीट लेवल के कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो चैप्टर काउंट नहीं होता, बस प्रैक्टिस के लिए लाएंगे। वेदर ये तो चैप्टर चल रहा है यूनिट मेजरमेंट, यहाँ से हम जो क्वेश्चन लेके आएंगे हर टाइप के स्टूडेंट के लिए लगाएंगे, जो बच्चे नीट को फोकस कर रहे हैं उनके लिए अलग, जो बच्चे एडवांस को फोकस कर रहे हैं उनके लिए अलग, जो बच्चे मेंस को फोकस कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए अलग, क्योंकि मेंस और एडवांस दो अलग अलग पेपर्स हैं, टेस्ट हैं, तो उसके बारे में ये इंट्रोडक्शन वीडियो भी जरूर लेके आएंगे जेई मेंस और जेई एडवांस से रिलेटेड। तो अभी जस्ट स्टे ट्यून्ड रहो, इस पूरे चैनल पे वीडियोस देखते रहो, जो प्रॉब्लम आए, जो इश्यू आए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, उस इश्यू को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर कोई कंट्रीब्यूशन देना चाहता है कि कुछ चीजें जो चेंज कर रहे हैं हम लोग अपने अपने लेक्चर्स में, जरूर बताओ। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ बेस्ट ऑफ लक फॉर कंटिन्यूइंग योर सिलेबस।